बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। छत्तीसगढ़ में वर्चुअल रैली की शुरुआत हो चुकी है और राजधानी भोपाल से सीधे संबोधित कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। आइए क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। श्रीलंका जैसे देश डराते थे, पिद्धि पिद्धि से देश हमें डराते थे और तब हम आंख मिला के बात नहीं कर पाते थे। अरे कांग्रेसियों भूल गए क्या? कांग्रेस देश में नारे लगाए हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई नारे लगाते थे जवाहरलाल नेहरू। और कब चीन घुस गया आके हमारे देश की सीमा के अंदर, पंडित नेहरू जी आपको पता ही नहीं चला। और पंडित नेहरू का सोच देखिए, कांग्रेस का सोच देखिए। चीन ने जब हमारी जमीन दबा ली और भारत की संसद में एक प्रखर सांसद ने जब ये मामला उठाया कि चीन ने हमारी हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है, तो पंडित नेहरू जी का जवाब था उस जमीन का क्या करेंगे, उसमें तो घास के तिनका तक पैदा नहीं होता। तब सांसद जी ने जवाब दिया था, पंडित जी आपके सिर पे भी एक बाल नहीं है, क्या इसको भी बेकार समझ के काट देना चाहिए, फेंक देना चाहिए? यह सोच थी कांग्रेस पवित्र भारत भूमि के बारे में, जिसके बारे में अटल जी ने कभी कहा था, ये देश हमारे लिए केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, हिमालय इसका मस्तिष्क है, गौरी शंकर इसकी शिखा है, पंजाब और बंगाल इसके दो विशाल बाहु है, दिल्ली दिल है, विंध्याचल कटी है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट इसकी दो विशाल गंगाएं हैं, कन्याकुमारी इसके पंजे हैं, सागर इसके चरण पखाड़ता है, सूरज और चंद्रमा इसकी आरती उतारते हैं, ये वीरों की भूमि है, ये सूरों की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, यहाँ का कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है, यहाँ का बिंदु बिंदु हमारे लिए गंगा जल है, यहाँ का बच्चा बच्चा हमें प्यारा है, यहाँ का जन जन हमें दुलारा है, हम जिएंगे तो इसके लिए और अगर कभी मरना पड़ा तो मरेंगे भी इसके लिए। और मरने के बाद अगर हमारी राख भी समुद्र में फेंक दी जाएगी तो वहां से भी एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और वो पूरा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। अभी अभी कांग्रेस से जवाब देना पड़ेगा, चीन ने जो व्यवहार किया भारत के साथ वो कैसा था, लेकिन अब चीन ने दुस्साहस किया, गलवान में गिरेवान डालने की कोशिश की, वो भूल गया कि बासठ का भारत नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी का भारत है। चीन अकड़ा तो हमारे सैनिकों ने चीनियों की गर्दन तोड़ के वहीं पटक दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है, मोदी जी ने, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, हम शांति के पक्षधर हैं, हम अपनी तरफ से किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। आज आंख में आंख डाल के चीन को जवाब देने का साहस किया है तो हमारे भारत के वीर सैनिकों ने किया है। मैं भारत के इन वीर सैनिकों को प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। चीनी सीमा पर हमारे कांकेर के वीर सैनिक शहीद गणेश राम कुंजाम ने अपना बलिदान दिया है, मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। मध्य प्रदेश हो छत्तीसगढ़ हो, भारत माता के ऐसे जवान बिना हथियारों के चीनियों से भिड़ गए और सबक सिखा दिया। मध्य प्रदेश में हमने तय किया कि हमारा कोई जमीन जवान अगर शहीद होता है तो 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि उस परिवार के सम्मान के लिए हम देते हैं, 1 मकान हम देते हैं, परिवार को शासकीय सेवा में रखते हैं, उनकी प्रतिमा लगाने का काम करते हैं। मुझे भी बताया कि छत्तीसगढ़ में तो मात्र 20 लाख रुपए की राशि दी गई है। भारतीय जनता पार्टी का सोच अलग है, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। यह संदेश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, भारत और चीन विवाद के लिए कोई जिम्मेदार थे
तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार थे। कश्मीर में धारा 370 अगर कोई जिम्मेदार थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार थे। आंख में आंख मिला के बात करो कांग्रेसियों, कौन ने कश्मीर में धारा 370 लगाई? एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान, कौन ने इसका प्रावधान किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेसियों, तुमने इसका प्रावधान किया। लेकिन धन्य नरेंद्र मोदी जी, एक इतिहास पुरुष, कोई सोचता नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी सोचते थे ये धारा 370 शायद कभी हटेगी नहीं, ये तो केवल नारा लगाने मात्र के लिए है। लेकिन दोबारा प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी, लोग देखते रह गए, सोचते रह गए। कोई कहता था ज्यादा कुछ नहीं होगा, छोटा मोटा परिवर्तन होगा, कोई कहता था केवल 35A हटेगी। लेकिन धन्य नरेंद्र मोदी जी, एक झटके में धारा 370 समाप्त करके फेंक, लोग सोचते रह गए, देखते रह गए किसमें ऐसा शौर्य, किसमें ऐसा साहस और किसमें ऐसी दम थी। अगर वो दम थी तो नरेंद्र मोदी जी में थी, अमित भाई शाह में थी। कश्मीर से धारा 370 समाप्त, तीन तलाक का कलंक मेरी मुस्लिम बहनों को किसने दिया? राजीव गांधी जी ने। सहवानों प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संविधान में संशोधन करके बदल दिया गया। तीन तलाक एक अमानवीय प्रथा थी जो कई मुस्लिम देशों में नहीं थी, किसी ने साहस किया हाथ लगाने का। उस तीन तलाक को भी अगर समाप्त करने का चमत्कार किया तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी ने किया, माननीय नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हुआ। एक ऐसी कुप्रथा जो कलंक थी भारत के माथे पर, उसको समाप्त किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। नागरिक संशोधन कानून, आज भी हम कांग्रेस से पूछना चाहते हैं, कितना तुष्टीकरण करोगे रे, कि हमारे वो भाई और बहन जो पाकिस्तान में रह गए, बांग्लादेश में रह गए, वो वहां अल्पसंख्यक थे, अफगानिस्तान में रह गए, जिन पर अमानुषिक अत्याचार किए जाते हैं, सरेआम मंदिर जला दिए गए, घरों में आग लगा दी गई, बेटियां उठा ली जाती है, क्या उनके नागरिक अधिकार नहीं है? क्या उनको जीने का हक नहीं है? क्या उनको मुस्कुराने का अधिकार नहीं है? और उनके लिए जब यह कानून बनाया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, कि वो भारत की नागरिकता जो यहां पे आए हैं वर्षों पहले दी जाएगी, तो यही कांग्रेस थी जिसने CAA का विरोध करने का पाप और अपराध किया। एक नहीं, अनेकों काम, अयोध्या में भगवान राम मंदिर का निर्माण, लोग कहते थे ये भी चुनावी मामला है, जब चुनाव आते हैं तब कहने लगते राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लोग मजाक उड़ाते थे, यह असंभव है, ये हो नहीं सकता, ये तो वोटों की राजनीति है। लेकिन धन्य नरेंद्र मोदी जी, एक झटके में सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो गया और भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री